जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, ठीक उसी वक्त मेरी बहन ने भी स्कूलिंग ख़त्म की। मेरे डैडी मेरी बहन को मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने और साथ ही मुझे नए घर में शिफ्ट कराकर मेरे रहन सहन को सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताह के लिए मुंबई आए। 7 दिन बीत गए तब पता चला, जब हम रात में प्लान करने बैठे कि कल क्या किया जाए, तो मेरे डैडी अपने टोन को सीरियस करते हुए कहते हैं, तो मेरे कल की फ़्लाइट छुटवाओगे क्या? यह सुनते ही मेरी बहन और मेरा चेहरा उतर गया। डैडी के आदेशानुसार हम सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाएं ताकि 10:30 की फ़्लाइट के लिए हम एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच जाएं। वैसे आम दिनों जब डैडी आए थे हमारे साथ मुंबई में, तो हम 6 बजे उठकर तैयार होकर बाहर घूमने के उत्साह में निकल जाते थे। मेरे डैडी आमतौर पर अपने 10:30 बजे की मीटिंग के लिए सुबह 6:30 बजे तैयार हो जाते हैं, पर आज 8 बजे तक सोते रहे और उठकर कहते हैं, ज़रा थक गया हूँ। शरीर को महसूस हुई इस थकान ने तो जता दिया, मन सबका आज बैठ गया है। बहरहाल हम एयरपोर्ट पर 1 घंटे पहले पहुंच गए और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हम तय नहीं कर पा रहे थे, डैडी पहले चेक इन कर लें या हम ब्रेकफास्ट कर लें। और इस निर्णय की आपाधापी में मेरे डैडी चेक इन लाइन में सबसे आगे पहुंच गए और टिकट चेक कराकर अंदर चले गए। मेरी बहन मुझसे कहती है, भैया डैडी से बोलते ना पहले ब्रेकफास्ट हमारे साथ कर लें, क्योंकि डैडी फिर अंदर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। मुझे मालूम था कि एक बार चेक इन के बाद आप बाहर नहीं आ सकते हैं, फिर भी मैं डैडी से कहता हूँ, डैडी आ जाइए ना, 15 मिनट में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सॉरी सर, फॉर सिक्योरिटी रीजंस अब सर बाहर नहीं आ सकते हैं। मेरी एक अजब सी आदत है, शायद आप लोगों की भी होगी, कि जब कोई काम हम अपनी मर्जी से करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर जब कोई विवशता हमें रोकती है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। पर मेरे बेचैनी का कारण यह नहीं था कि हम डैडी के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। एक पल की विवशता की घड़ी में उलझते हुए ख्याल की सवारी पर बैठकर वक्त के किसी और रास्ते चला गया था मैं। बचपन से जिसका सवाल मैं खुद से पूछता था और जिसका जवाब नहीं मिलता था, मुझे आज उसका जवाब मिल गया। मैं 4th में ही हॉस्टल चला गया था। 9 साल की उम्र में घर से दूर होने पर घर की बेहद याद आती थी, और हॉस्टल के डिसिप्लिन रूटीन में एक दिन ऐसा भी आता था जिसका इंतज़ार हमें पूरे महीने रहता था। सेकेंड संडे हमारे पेरेंट्स हमसे मिलने आ सकते थे। सेकेंड संडे कोई वैसे एक दिन नहीं था, बल्कि एक त्यौहार था। हॉस्टल में अपनी उत्साह जुनून को जिंदा रख पाने का वजूद था। पूरा महीना गुजार लिया करते थे बस इस सेकेंड संडे के इंतज़ार में, और जिस दिन का इंतज़ार हमें पूरे महीने रहता था, उसी शाम ऐसा लगता था सपनों के ख़त्म होने का समय आ गया है, शाम हो गई है, डैडी चले जाएंगे। अंदर से दिल चीखता था, डैडी रुक जाइए ना। अपने एहसासों को अपने आंखों तक रोक कर मैं डैडी को स्कूल के मेन गेट तक छोड़ने जाता था, और वहां तक जाता था जब तक गेट पर खड़ा गार्ड मुझे वापस जाने को ना कह दे, और बाय करते हुए बस यह सोचता था, डैडी थोड़ी देर और रुक जाएं, एक बार मुड़कर तो देखेंगे जरूर। उस थोड़ी सी देर में मैं क्या चाहता था मालूम नहीं, शायद कुछ भी नहीं, पर एक बेचैनी सी हो जाती है अपनों से अलग होने से पहले। शाम के अंधेरे में अपने आंसू को अपने गले से उतरने देता था, फिर डैडी को बहुत कोसता था, एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकते, हॉस्टल भेज दिया, गाड़ी में बैठते और सीधे चले जाते हैं, इनके अंदर दिल नहीं है क्या? पर एयरपोर्ट की गेट के इस साइड खड़े होकर, और डैडी जब गेट के उस साइड थे, मैं भी उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देख पाया, मेरी आंखें भर गई थी। कभी डैडी से ये तो पूछ नहीं पाया, क्या डैडी आपके आंखों में भी? पर वक्त के इस हेरा फेरी और इस पलट जवाब में मुझे एक तो और जवाब मिल गया, जो मैं अब दिल में समाये रखता हूं, कि हॉस्टल में छोड़ने के बाद मेरे डैडी मुझे वापस मुड़कर क्यों नहीं देखते थे।